आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जब बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे और ड्यूरिंग द कैंपेन के मुताबिक उनका ये नारा था कि ट्रंप जो है सो ट्रेडिशनल अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकन वैल्यूज और अमेरिका का जो रेस्पेक्ट था मल्टीलैटरलिज्म और इंटरनेशनल ऑर्डर का, उससे अलहदा हो चुके थे। अमेरिका को एक अलग रास्ते पे लेकर जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। उनका जो स्लोगन था कि अमेरिका फर्स्ट, एज इफ जो है सो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशंस में कोई दूसरी एंटिटी को फर्स्ट रखते थे। तो बाइडेन ने बार बार कहा था कि हम बहुत फंडामेंटल तब्दीलियां करेंगे पॉलिसीज में, और इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका इज बैक। और लेकिन चंद इलाकों में, मतलब जैसा कि आप मिडल ईस्ट को ले लें, जेरूसलम को ले लें और इंडिया को ले लें और तो कुछ हद तक चाइना, इसमें जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की फंडामेंटल पॉलिसी अप्रोचेस में कोई फर्क नहीं है। थोड़ा बहुत अंदाज में फर्क है, बात करने का अंदाज, डील करने का अंदाज, और कोविड के वजह से वो पर्सनल डिप्लोमेसी भी नहीं कर सक रहे बाइडेन जो डोनाल्ड ट्रंप 2019 से पहले कर चुके थे। उसके बावजूद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने वही, तो जहां तक कि इंडिया का सवाल है, एक बहुत अहम जो इनिशिएटिव डोनाल्ड ट्रंप ने लाए थे अपनी फॉरेन पॉलिसी में, वो था इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। ये कि जो पिवट टू एशिया था उसका नाम बदल कर इंडो पैसिफिक, उसके दो चीजें थी। एक एक इंडिया को भी वो इम्पोर्टेंस देना चाह रहे थे, ये जो चाइना के खिलाफ एक किस्म से अलायंस बना रहा है अमेरिका। दूसरी चीज ये मैरिटाइम रिकग्निशन के जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है वो मतलब इंडियन ओशन से लेके पैसिफिक ओशन तक जाएगा। बेसिकली अगर इंडिया से लेके आप जापान तक देख लें, तो ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो डिवेलप की है अमेरिका में, उसमें इंडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और वो जो चार मुल्क हैं उसमें इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों डेमोक्रेसीज हैं और इसमें दो न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो बेसिकली ये चाइना को डोमिनेट या एटलीस्ट कंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की, अगर आप उनकी वेबसाइट व्हाइट हाउस पे अगर आप जाएं और 2018 नेशनल सिक्योरिटी की जो स्ट्रेटजी थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो एक ही उन्होंने छापी थी, उसमें ये काफी इंपॉर्टेंस दिए थे। और वही लैंग्वेज और वही स्ट्रेटजी अब जो बाइडेन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यू कैन सी दैट देयर इज नो फंडामेंटल चेंज। ये और बात है कि डेमोक्रेट्स थोड़ा बहुत ह्यूमन राइट्स पे ज्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बते रिपब्लिकन्स के, और इसलिए जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे यूएन कन्वेंशन के लिए, एक तो ये चीज गौर करना चाहिए कि बहुत कम लीडर्स से मुलाकात हुई, सिर्फ नरेंद्र मोदी से हुई। मेरे ख्याल से इमरान खान लास्ट मिनट पे आए भी नहीं शायद। सो दैट्स वन थिंग कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से मिला, फिर क्वाड की बातचीत भी की, लेकिन नरेंद्र मोदी को लेक्चर भी दी कमला हैरिस ने ह्यूमन राइट्स का, खास तौर से CAA वगैरह को लेकर, और मीडिया ने भी काफी क्रिटिसाइज किया। तो जिस तरह से हाउडी मोदी वाला रिसेप्शन हुआ था, उस तरह रिसेप्शन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दिया नरेंद्र मोदी को, लेकिन अहमियत उतनी ही दी। सो तो देखना चाहिए कि पॉलिसी में ज्यादा तब्दीली नहीं आएंगी, लेकिन रवैये में मुझे लगता थोड़ा फर्क रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जो ये क्वाड टू और क्वाड वन की बातें हुई, क्वाड वन तो ये था कि जी ठीक है ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका जो है वो क्वाड वन है, लेकिन एक क्वाड टू की बात चली और एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें इसराइल, यूएई, अमेरिका और इंडिया। तो इंडिया जो है इसको हाउ कम इंडिया इज बीइंग मेन स्ट्रीम्ड इन मिडल ईस्ट, आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, के इसकी वजह क्या है कि मिडिल ईस्ट में क्यों मेनस्ट्रीम अमेरिका करना चाहता है? क्या वो समझते हैं कि जिस तरह वो इसराइल को मेनस्ट्रीम कर रहे हैं मिडिल ईस्टर्न ममालिक में, यूएई के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, अब्राहम अकॉर्ड और ये सारी चीजें हुई, तो इंडिया इज सच अ ट्रस्टेड पार्टनर फॉर देम कि वो समझते हैं कि वो उसको वाकई ही जो है वो मिडिल ईस्ट में रोल प्ले करना चाहिए? आपको क्या नजर आता है इसमें? देखिए, क्वाड टू का जो स्लोगन है वो इंडिया से ज्यादा आ रहा है बनिस्बत अमेरिका से।
तो अगर आप जब ये क्वाड टू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आप वो देखेंगे कि इंडिया के मीडिया पर्सनल, इंडिया के जर्नलिस्ट और खुद इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के अफराद इस लफ्ज को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ अमेरिका में ज्यादा लोग ये क्वाड का लफ्ज इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरी चीज ये है कि जहां तक के इंडियन एनालिस्ट है, और जो नॉट ऑल ऑफ देम, जो सेंटर और सेंटर लेफ्टिस्ट, मतलब लेफ्ट भी नहीं राइट को छोड़ दें एक्सट्रीम, जो सेंटर की जो थिंकिंग है, वो कहते हैं कि अमेरिका दुनिया की कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो इनके बीच में नेचुरल अलायंस होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अमेरिका के दो बहुत ही खास रिश्ते हैं, वेरी स्पेशल रिलेशंस, एक इसराइल के साथ है और दूसरा बर्तानिया के साथ है। तो इंडिया वो दर्जा हासिल करना चाहता है कि एटलीस्ट ये जो तबका है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, कि इंडिया का रिलेशंस अमेरिका के साथ उतना ही स्पेशल हो जाए जितना बर्तानिया का और इसराइल का है। अब इंडिया का जो डायस्पोरा है अब अमेरिका में छा गया है, काफी उसका इन्फ्लुएंस होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि अनकरीब कैबिनेट में भी आप देखने लगेंगे बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन अमेरिकन। तो ये एक्नॉलेजमेंट तो अब वाइड स्प्रेड हो चुकी है, मतलब इट इज गॉन बियॉन्ड द एलीट, मीडिया से हट करके पॉपुलर कल्चर में भी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि इंडिया के साथ बहुत अहम ताल्लुकात है। और अगर कमला हैरिस बन जाती है प्रेसिडेंट 2004 या 2008 में, तो यू कैन सी दिस विल गो फर्दर ऑन। दूसरी चीज क्वाड की बात, मिडल ईस्ट का जहां तक सवाल है, इंडिया इज अ बिग बिग मार्केट भाई। आप देख रहे हैं 500 600 मिलियन की मिडिल क्लास हो गई है, इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आपको याद है कि कश्मीर के दौरान जब वो कश्मीर पे लॉकडाउन वगैरह हुआ था, उसमें दुनिया ने कितना क्रिटिसाइज किया था इंडिया को, लेकिन आपने देखा सऊदी अरेबिया से कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया, इसराइल से कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया। सऊदी अरेबिया ने मेरे ख्याल से कुछ 500 बिलियन डॉलर्स कुछ आउटले किया है इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में, और अगर वो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया के इंडिया में हो जाते हैं तो और भी कम इंडिया की क्रिटिसिज्म होगी मिडल ईस्ट में, और इंडिया का इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में बढ़ जाएगा। क्योंकि यूं सोचिए कि आप अगर मेरे घर में 500 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, तो सोचिए मेरा इन्फ्लुएंस आप पे कितना बढ़ जाएगा, राइट? तो ये इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। दूसरा, इंडियन डायस्पोरा भी काफी इन्फ्लुएंशियल हो गई है मिडल ईस्ट में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियन मतलब उनकी इकोनॉमी सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेस वाइज और अदरवाइज मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। और मुस्लिम मुल्क आजकल ये जो इस्लामिक सॉलिडारिटी की बातें करते हैं ना, ये बहुत कमजोर हो गई है। मिसाल के तौर पे उइगर के मसले को लेकर चाइना के सपोर्ट में मुस्लिम मुल्कों ने ज्यादा सपोर्ट दिया चाइना को यूएन में बनिस्बत क्रिटिसिज्म के। आपके मुल्क में तो नजर भी नहीं आता उइगर के ऊपर, जिसमें लाइक पाकिस्तान का लाइक इंटरनेट ब्लॉक हुआ हुआ, ऐसा लगता कि उइगर का कोई मसला ही नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे इमरान खान, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। तो इस तरह तो साफ नजर आ जाता है कि मुल्कों की जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो इस्लामिक सॉलिडारिटी से बहुत मजबूत है। तो जहां तक के मिडल ईस्टर्न मुल्कों का है, इंडिया के साथ इट इज बट नेचुरल। इंडिया इज रैपिडली अभी पांचवी या छठी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और चंद करीब इट विल बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है, आप उससे परे भी रह नहीं सकते। सो दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा। और जैसा जैसे अमेरिका थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट कर रहा है मिडल ईस्ट में बाय बिकमिंग लेस एंगेज्ड, मुझे लगता है कि दूसरे मिड लेवल पावर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप मिडल ईस्ट में ना सिर्फ इंडिया बल्कि चाइना और रशिया का भी रोल बढ़ते हुए देखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये जो इंडिया की जो प्रेजेंस है आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका के अंदर, वो जो एक कल्चरल एक्सेप्टेंस है वो बेसिकली बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ अरसे से हमें ये पता चला है कि अमेरिका जो है वो दूसरे ममालिक को पहले ह्यूमन राइट्स पे लेक्चर देता था, अब नहीं दे सकता। इस हवाले से इंडिया पे भी देखा गया है कि फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी अगर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हमें कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न पर डालेगा रिलीजियस फ्रीडम पे, तो हम उन लोगों को इंडिया का वीजा ही नहीं देंगे। तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया के ऊपर जो इंडिया को अमरीका जो है उस तरह रिलीजियस फ्रीडम पे आप बात नहीं कर सकता, बल्कि चीन भी स्नब कर देता है, तो ये किस हद तक जो एक फॉरन पॉलिसी टूल हुआ करता था
अब आप समझते हैं कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी टूल बॉक्स। देखिए ये जो आप जिक्र कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सपोज टू बी एन इंडिपेंडेंट कमीशन, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF। पिछले दो साल से उनकी रिपोर्ट्स में उन्होंने रेकमेंड किया है कि स्टेट डिपार्टमेंट शुड आइडेंटिफाई इंडिया एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, CPC की। तो इंडिया के पास से तो काफी क्रिटिसिज्म आया। दो चीजें हो चुकी है, एक कि इट इज नॉट अ वेरी इन्फ्लुएंशियल टूल, मतलब आपको पता है कई साल से पाकिस्तान इज लिस्टेड एज ए CPC कंट्री, सऊदी अरेबिया इज आल्सो लिस्टेड, चाइना इज आल्सो लिस्टेड, कुछ असर तो नहीं हो रहा है उनके पॉलिसीज वगैरह में, जिन पॉलिसीज के वजह से CPC का उन पे कैटेगराइजेशन लगाया गया वो नहीं बदले। तो बेसिकली व्हाइट हाउस कैन सिंपली इग्नोर दैट। तो अगर इंडिया पर CPC भी लग जाता है तो it is not going to have any impact on India ya America Indian relations. ye aur baat hai, India ke thoda bahut image dent ho jayega. aur ek agar aapne 2020 ki report dekhi hai to usme ek dissenting jo person hai unhone likha tha ki bhai India ek democracy hai, India ko North Korea aur China Saudi Arabia ke sath इंक्लूड करना इज अनफेयर। अभी भी इंडिया में मुस्लिम पार्टीज है, मुस्लिम इलेक्शंस जीतते भी हैं, लड़ते भी हैं, वोट भी डालते हैं, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दीस टू कंट्रीज। लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स वगैरह की जो डिमांड है सिविल सोसाइटी से, सेनेटर्स वगैरह से, तो अमेरिका में क्या है, क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, इसमें कई डिफरेंट व्यूज है, पॉइंट्स ऑफ व्यू है, तो उन सबको गवर्नमेंट अकोमोडेट करने की कोशिश करती है। जहां पे नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट आ जाते हैं वहां पे वेवर्स। मिसाल में आपको और एक देता हूँ जिसपे शायद आप बात करना भी चाहेंगे। दोनों तुर्की और इंडिया दोनों ने पिछले 3-4 साल में रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ अमेरिका में आजकल एक लॉ पास किया गया है जिसके तहत अगर रशिया से मिलिट्री एड खरीदते हैं आप हथियार तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं बिकॉज यू आर इन ए वे सपोर्टिंग रशियाज मिलिट्री इंडस्ट्री। तो टर्की पे तो सैंक्शंस लग गए, हालांकि टर्की एक नेटो एलाय है अमेरिका का, इतना पुराना दोस्त है टर्की में, अमेरिका के जो यूरोप में जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन स्टेशन है वो टर्की में है, उसके बावजूद तुर्की पे सैंक्शंस लगे। इंडिया ने भी वही हरकत की 2018 में, तुर्की ने $2.5 बिलियन के हथियार खरीदे रशिया से, इंडिया ने $5.5 बिलियन के S-400 खरीदे जो अभी डिलीवर हो गए, और इंडिया के ऊपर अभी तक सैंक्शंस वगैरह उस पर नहीं लगे। सो क्लियरली नेशनल सिक्योरिटी वेवर्स आते रहेंगे। दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ US नीड फॉर इंडिया। इंडिया की जो जरूरत है अमेरिका को उसका आप देख सकते हैं ये नतीजा। बिल्कुल ठीक है कि ये द स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो ऑब्वियसली इंडिया का वो इन्फ्लुएंस बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली अब वो US गवर्नमेंट के पास उस तरह की चॉइसेस जो है वो नहीं रही। सर आखिरी बात मैं बताऊंगा आपको कि लेकिन सिविल सोसाइटी में इंडिया की काफी क्रिटिसिज्म हो रही है। अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट को ले लें तो हर दूसरे तीसरे चीज ऐसा लगता है कि इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ ओपिनियन आर्टिकल, राणा अय्यूब के कई बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सख्त क्रिटिसिज्म के आर्टिकल्स छपते रहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स पर भी, अब जो ये धर्म संसद हुआ था हरिद्वार में जिसमें चंद इतने भी नालायक किस्म के पंडितों ने जेनोसाइड की कॉल की, उसका इतना कवरेज हुआ है यहाँ की मीडिया में, टेलीविजन पर भी हुआ है, बट मेन स्ट्रीम प्रेस वगैरह में। तो पिछले अगर आप 2017-18 को ले लें और अब ले लें तो आई थिंक देयर इज मोर नेगेटिव कवरेज ऑफ इंडिया इन द प्रेस देन पॉजिटिव कवरेज, और इसका इवेंचुअली असर होने लगेगा। चले लेट्स सी सर, फॉर अ मोमेंट तो इंडियन समझते हैं कि हम इतनी बड़ी मार्केट है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही शायद हमें कोई डिक्टेट कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, जैसे आप कह लें कि एक इस तरह की एक मूव है। बट सर आखिरी बात आपसे करूंगा, और वो जो आखिरी बात है वो ये है कि क्या जो इंडिया और चाइना के मामलात चल रहे हैं इसमें अमरीका जो है वो कोई मीडिएशन करा सकता है, जो कि लगता नहीं है। जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल रशिया को इंडिया ने कहा कि वो मीडिएशन कराएं
या कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, लेकिन बाद में रशियन इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सुनने में आया था कि जब प्रेसिडेंट पुटिन इंडिया आए थे तो उन्होंने कुछ कहा था कि इसमें किसी ना किसी की कोई रशिया को रोल प्ले करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या अमेरिका इंडिया को अपना फुल फ्लेज इतिहादी के तौर पे नहीं देख रहा, और इंडिया समहाउ चाहेगा कि कहीं ना कहीं डीएस्केलेशन होती रहे ताकि वो किसी ना मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ना एंगेज हो? देखिए, इट इज द अदर वे अराउंड। मेरे मुझे लगता है कि इंडिया इज प्लेइंग हार्ड टू गेट अमेरिका के साथ। मतलब अगर आप, मैंने अभी जयशंकर की किताब को रिव्यू किया है इंग्लिश और हिंदी में, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं कि बेसिकली इंडिया की जो शुरू से नॉन अलाइंड पॉलिसी है वो रहेगी। इंडिया क्वाड में भी रहेगा और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो अभी भी मेंबर है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ भी खेलेंगे और हम चाइना के साथ भी खेलेंगे। चाइना के साथ जो इख्तलाफात है उसे हम डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो बॉर्डर पे जो पिछले 1.5 साल पहले जो हादसा हुए हैं, वो उससे एकदम रिलेशनशिप थोड़ी तंग हो गई है, लेकिन इंडिया अभी भी मुश्किलात पैदा कर दी है चाइना के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में इंडिया में। लेकिन इंडिया इज काइंड ऑफ डिपेंडेंट आल्सो ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स, और वो चाहते हैं कि चाइना के साथ ट्रेड बेहतर हो। तो जहां तक के इंडियन पुलिस पोजीशन है, वो ये नहीं चाहते कि वो अमेरिका के पिट्ठू बन जाए और चाइना के खिलाफ, मतलब ऐसा क्लाइंट स्टेट नहीं बनना चाहते। जैसा कि आपने देखा होगा, धीरे धीरे पाकिस्तान इज बिकमिंग चाइनाज क्लाइंट स्टेट। उस तरह की रिलेशनशिप इंडिया नहीं चाहता। इट वांट्स टू हैव इट्स ओन इंटरेस्ट, यानी वो बेसिकली इंडिया ये चाह रहा है कि दोनों से फायदा उठाए और रशिया से भी फायदा उठाए। और क्योंकि रशिया के साथ ट्रेडिशनल ताल्लुकात है, ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से शायद रशिया के साथ ताल्लुकात थोड़े कमजोर हो रहे हैं। एंड देन सडनली वो $5.5 बिलियन का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया रशिया से, रीअफर्मिंग इंडियन रशियन रिलेशंस। और वो इसके बावजूद कि अमेरिका ने एक स्पेशल F-16 यानी F-21 को एक, मतलब उन्होंने बेसिकली एक F-16 का एक ऐसा डिजाइन दिया जो टेक्निकली वुड हैव बीन सुपीरियर टू द F-16 जो पाकिस्तान के पास है, और उसका नंबर था F-21। और उन्होंने ये भी कहा था कि ना सिर्फ हम आपको ये बेचेंगे बल्कि आपको मैन्युफैक्चरिंग राइट्स भी देंगे। ये तो काफी डिस्कशन हुए, बट वो इंडिया ने वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं साइन किया, उल्टा जाके फ्रांस के रफाले जेट फाइटर्स को खरीदा। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया इज नाउ द सेकेंड बिगेस्ट वेपन्स परचेजर इन द वर्ल्ड रशिया, सऊदी अरेबिया के बाद। तो मार्केट तो बड़ी है, लेकिन वो अमेरिका को नहीं मिल रही है मार्केट, यूरोप को जा रही है, रशिया को जा रही है। तो इंडिया इज ट्राइंग टू स्प्रेड इट्स इन्फ्लुएंस, और देखें किस हद तक कोशिश होती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स टू वॉट एक्सटेंट चाइना विल ऑल्सो अलाउ इट ना। अगर चाइना की हॉस्टिलिटीज बढ़ते रहेंगी तो इंडिया को मजबूरन अलाइन करना पड़ेगा अमेरिका के साथ। अमेरिका ये नहीं चाहता कि इंडिया दोनों के साथ खेले। आई मीन एक देर इज अ पॉइंट एट विच अमेरिका इज गोइंग टू से, मैंने खुद एक आर्टिकल लिखा था S-400 के परचेस के बाद कि क्या इंडिया इज एज रिलायबल पार्टनर इन द क्वाड एज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपना कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस से तोड़कर अमेरिका और बर्तानिया के साथ बना के एक नया इंस्टीट्यूशन ऑकस को पैदा किया, और इससे जो क्वाड है वो मजबूत हो गया, राइट? कि ऑस्ट्रेलिया हैज प्रूवन के वो अमेरिका के बहुत रिलायबल एलाई है। इसलिए उन्होंने वो सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका और बर्तानिया के साथ कर लिया। लेकिन इंडिया ने जो कॉन्ट्रैक्ट रशिया के साथ किया और अमेरिका के साथ नहीं किया, उससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया इज नॉट एज कमिटेड टू द क्वाड एज ऑस्ट्रेलिया इज या अमेरिका इज। तो ये बात तो नोटिस तो की जा रही है ना, अमेरिका में ये कह नहीं रही है। पिछले तकरीबन आप कहिए 2005 में, जो बहुत ही अहम ईयर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए, जो जो न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुई है, बेसिकली अमेरिका ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेजिटिमाइज कर दिया इंटरनेशनली। 2005 में वो पराया स्टेटस खत्म हो गया। तो 2015 से लेकर अब तक अमेरिका इंडिया को बेसिकली नर्चर कर रहा है टू बिकम ए मेजर एलाई इन एशिया, खासतौर से पिवट टू एशिया के बाद से। लेकिन इंडिया इज ट्राइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट, बट बेसिकली इंडिया वॉन्ट्स टू हैव अ फ्री लंच।
इट वॉन्ट्स टू ईट बट नॉट पे द बिल, और ये कब तक अमेरिका बर्दाश्त करेगा ये, मतलब आप, इट्स योर गेस इज एज गुड एज माइन।